10-12 साल से काम हाथ ढंग के काम करके बैठे मैं कदम से देखना इनका जो बचपन है काम में ही गया है। नमस्ते बिहार, मैं प्रद्युमन आप सबको आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ फूडी में आपका स्वागत करता हूँ। तो जज्बे को सलाम, जो कि हमारा ऑनगोइंग सीरीज है, उसके एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ हम आपसे जुड़ चुके हैं सीधे गाने मैदान से। तो आज हम आपको एक भैया से मिलवाने वाले हैं। बेसिकली ये जो सेल कर रहे वो है लट्ठे। लट्ठे हैं ना भैया आपके पास? हाँ लट्ठे हैं। तो लट्ठे लाइक देखो ये, तो भाई कुछ बचपन की यादें आ गई होगी आपके दिमाग में, ताज़ा हो गई होगी ज़रूर। तो भाई ऐसा है कि भैया सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम? कुंदन कुमार। नाम है कुंदन कुमार। कितने साल से आप ये बेच रहे हैं लट्ठे? 12 मास बेचते हैं। 12 मास बेचते हो? कितने साल से काम कर रहे हैं? बचपन से सियाना भी बेचते होते हैं। लेकिन लगभग कितना की उम्र से आप स्टार्ट किए होंगे? आपका उम्र क्या होगा उस टाइम तकरीबन? अभी तो 28 हो रहा है। अभी 28 हो रहा है। तकरीबन कितने एज से आप स्टार्ट कर दिए थे, कितने उम्र से? 10-12 साल से काम हाथ ढंग के काम करके बैठे। आपको आता है लट्ठा बनाने? मेरा भाई बनाता है। आपका भाई बनाता है। लेकिन क्या आपका था कि बचपन में एकदम कुछ जिम्मेदारी था ऐसा कि क्या था ऐसा कि आप एकदम स्टार्टिंग कर दी उस समय लट्ठा बनाना? बचपन में तो जिम्मेदारी नहीं है, तो सियाना होने के बाद जिम्मेदारी पड़ गया। देखो क्या बात है भाई, मतलब कुछ मजबूरियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आया तब आप उसे 12 साल की उम्र से ही। इनका जो बचपन है काम में ही गया है। तो एक बात बताइए कि कैसे ये प्राइस कैसे है इसका, कैसे कैसे है? 5 पीस से 1 पीस है। 5 का 1 पीस। हाँ। और ये बनता कैसे है ये बताइए थोड़ा, अगर आपको मेथड बता सकते हैं आप तो, कैसे बनता है ये? इस जगह पर खुट्टी करा हुआ रहता है। हाँ। और इस मीठा का चाशनी क्यारी करके झूल देता है तेल लगा कर। हाँ। और फिर गिल्ला इसे सूखता है, खुट्टी डाल के फिर इसे करके पेड़ने पड़ता है। लाइक बेसिकली गुड़। हाँ, गुड़ को इसे पेड़ने पड़ता है बार बार, फिर तोड़ तोड़ कर इसे सुखाने के लिए छोड़ देने पड़ते हैं। अगर बात कई चीज़ें काट के फिर चिमकी में पैक हो जाते हैं। और ये खाने में बहुत क्रंची लगता है थोड़ा थोड़ा ना? हाँ क्रंची। तो भाई भैया से बात करिएगा, भैया बताइए कितने बजे से स्टार्ट करते हैं बेचना ये गांधी मैदान में? गांधी मैदान में टाइम खत्म हुआ फिर चल जाएंगे डेरा पर। शुरू कितना आते कितना बजे, आप जाते कितना बजे यहाँ से? ये तो अपना बिजनेस, कखनी भी आ सकते हैं। कखनियों आ सकते हैं? कखनी भी। अगर यहाँ पे कोई इंसान आता है आपसे खरीदने के लिए ये लट्ठे जो कि बचपन का याद दिलाता है हम लोग को, तो कितना बजे आपसे मिल सकता है वो? ये बजे मिल फ़ोन नंबर ले लेगा तो हम बोला तो ला के पहुँचा देंगे। तो ऐसा है भाई कि इनका जो डिस्क्रिप्शन है, आपको इनका जो नंबर है मैं वहाँ पे डाल दूंगा, आप इनको कॉल करके इनको बुला सकते हो। लट्ठे अगर आपको खाने, आपको बचपन की जो यादें उसको तरोताज़ा करना है तो भैया फ़िलहाल आप हमको एक लट्ठा टेस्ट करवाइए। ठीक है। और गाइस सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये लाइक इनका जो बचपन है और वो बचपन से जवानी सब कुछ एक लाइक लट्ठे बेचते बेचते ही चला गया। शुरू से लट्ठा ही बेचे भैया? लट्ठा, आइसक्रीम और मिठाई, पेपर, सब सब बेचे। फैला हुआ बिजनेस भैया का। मैं कदम से देखना वाइट कैंडीज खाते हो ना? बिल्कुल वैसा है भैया। बोल सकते हैं कि अगर आप एक शुगर पेशेंट हो तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है कैंडी। अगर आपको मीठा खाना पसंद है, आपको डेजर्ट खाना पसंद हो, बेस्ट है भाई। और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है, 5 रुपये। तो भैया शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी उम्मीद में मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। और भैया आपको सलाम है सबसे पहले, जिस सबसे आप कर रहे हैं अपना बचपन से लेके जवानी आप यहाँ पे गुजार दिए, सबसे आपके जज्बे को सलाम है भैया। ठीक है। तो भाई आप इसी उम्मीद में कि आप जल्दी आओगे यहाँ पे, जब भी आओगे गांधी मैदान तो ये ज़रूर ट्राई करोगे। लाइक मुझे बहुत पसंद आया, मैं यहाँ पे रेगुलर कस्टमर होने वाला हूँ फॉर श्योर। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।